शासकीय मेडिकल कॉलेज के संबंध में कल पूर्व विधायक प्राध्यापक राजू त्रिमांटे संघर्ष समिति एवं कांग्रेस के नेताओं ने की संयुक्त पत्रवार्ता आयोजित की गई थी। मेडिकल कॉलेज की जगह के बारे में जानकारी दी गई। हिंगनघाट शहर में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की जगह को लेकर मुंबई में धरना आंदोलन के बाद विधानसभा में जगह से जुड़ा मुद्दा उठाया गया है और प्रस्तावित जगह और मेडिकल कॉलेज की जगह के संबंध में जानकारी दी गई है। हरिओम भवन में पत्र परिषद का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक प्राध्यापक राजू तिवांटे, पूर्व नगराध्यक्ष अध्यक्ष पंडरीनाथ कापसी, संघर्ष समिति के पदाधिकारी एवं कांग्रेस के महिला एवं पुरुष पदाधिकारी उपस्थित थे। नहीं, उनका जो नजरिया था वडेट्टीवार साहब का, उनका कहना था कि वहाँ पे जो 200 सवा 200 एकड़ जमीन ले गई आजू बाजू में, ये कहीं तो भी बड़े एक व्यापारी वर्ग इसमें घुड़ा हुआ है, इसमें सभी के हाथ है, उन्होंने डिक्लेयर किया। मेरा कहना यह है कि महाराष्ट्र में 2 कॉलेज 18 एकड़ और 20 एकड़ में हुई है, तो अपने यहाँ पे 40 एकड़ की अट क्यों? आपने तहसीलदार साहब भी ये बोले कि 40 एकड़, मैंने बोला उनको जीआर बता, तो उन जीआर बताने को तैयार नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में 18 एकड़ और 20 एकड़ में महाविद्यालय हुआ है। दूसरी बात, मैंने वडेट्टीवार साहब को ये बताया कि वेळामध्ये जर आपला मेडिकल कॉलेज गेलं तो साहेब आमची 15 वर्ष झाली हिंगणघाट जिल्ह्याची मागणी आहे। जर हिंगणघाट जिल्हा झाला, नदीपासून जर आमची बॉर्डर गेली, तर पुन्हा हे तिसरे मेडिकल कॉलेज वर्धेला मिळाले हिंगणघाटच्या नकाशावर येणार नाही, म्हणून ही मागणी आमची पूर्ण करा की आमचं हिंगणघाट रुग्णालयाच्या बाजूलाच आमचं मेडिकल झाले पाहिजे, ही आमची मागणी आहे। आणि ते त्यांनी ते रिसर्च तिथं मांडली। याच्यामध्ये मोठे मोठ्यांचे हात होते। तिथं 5-2 जो जीआर निघाला, लगेच 3 मार्चला यांनी पत्र दिलं, एप्रिलला विक्री होते, फेरफार मेला होते, पण त्याच्यावरती बोजा न उतरता ही पत्र जाते, याच्यामध्ये सगळे जनतेला हे माहीत करणं जरुरी आहे ना, हे माहीत होणार आहे। दूध का दूध पाणी का पाणी, संघर्ष समिती इसका केल्याशिवाय राहणार नाही। नाही, उनका जो नजरिया था वडेट्टीवार साहब का, उनका कहना था कि वहाँ पे जो 200 सवा 200 एकड़ जमीन ले गई आजू बाजू में, ये कहीं तो भी बड़े एक व्यापारी वर्ग इसमें घुड़ा हुआ है, इसमें सभी के हाथ है, उन्होंने डिक्लेयर किया। मेरा कहना यह है कि महाराष्ट्र में 2 कॉलेज 18 एकड़ और 20 एकड़ में हुई है, तो अपने यहाँ पे 40 एकड़ की अट क्यों? आपने तहसीलदार साहब भी ये बोले कि 40 एकड़, मैंने बोला उनको जीआर बता, तो उन जीआर बताने को तैयार नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में 18 एकड़ और 20 एकड़ में महाविद्यालय हुआ है। दूसरी बात, मैंने वडेट्टीवार साहब को ये बताया कि वेळामध्ये जर आपला मेडिकल कॉलेज गेलं तो साहेब आमची 15 वर्ष झाली हिंगणघाट जिल्ह्याची मागणी आहे। जर हिंगणघाट जिल्हा झाला, नदीपासून जर आमची बॉर्डर गेली, तर पुन्हा हे तिसरे मेडिकल कॉलेज वर्धेला मिळाले हिंगणघाटच्या नकाशावर येणार नाही, म्हणून ही मागणी आमची पूर्ण करा की आमचं हिंगणघाट रुग्णालयाच्या बाजूलाच आमचं मेडिकल झाले पाहिजे, ही आमची मागणी आहे। आणि त्यांनी ते रिसर्च तिथं मांडली। याच्यामध्ये मोठे मोठ्यांचे हात होते। तिथं 5-2 जो जीआर निघाला, लगेच 3 मार्चला यांनी पत्र दिलं, एप्रिलला विक्री होते, फेरफार मेला होते, पण त्याच्यावरती बोजा न उतरता ही पत्र जाते, याच्यामध्ये सगळे जनतेला हे माहीत करणं जरुरी आहे ना, हे माहीत होणार आहे। दूध का दूध पाणी का पाणी, संघर्ष समिती इसका केल्याशिवाय राहणार नाही। ओ, उसमें सब पूरा इल्लीगल काम है। उसकी बिक्री कैसे हुई, लेटर कैसा दिया, अगर उसकी चौकसी हो गई तो मल कंस्ट्रक्शन के ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, और उसने किसके कहने से दिया उन्होंने समझना चाहिए। जो भी बात है, आज हिंगणघाट शहर में मेडिकल कॉलेज लोगों ने 207 दिन अनशन किया, धरने आंदोलन दिए, उसके बाद में सरकार के जब ध्यान में आया कि लोगों का बहुत आग्रह है, तब कोई मेडिकल कॉलेज मंजूर हुआ। आमदार साहब ने मेडिकल कॉलेज के लिए अगर प्रयत्न किया होता तो 207 दिन यहाँ पे आंदोलन काहे के लिए चलता? और अभी हिंगणघाट शहर के वैभव के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से, अगर हिंगणघाट उपजिला रुग्णालय के बाजू में जगह है शासकीय, तो वहाँ पे कॉलेज होना चाहिए। और वहाँ पे सरकारी जमीन रहने के बाद में यहाँ के अधिकारी बता रहे कि वहाँ पे 9 एकड़ जमीन है, तो मेरे को तो उनके बुद्धि की पूर्व केलेलं हे षडयंत्र आहे। या षडयंत्रामध्ये कन्स्ट्रक्शन कंपनी, आमदार, अधिकारी हे सर्व सामील आहे। प्रेशरमध्ये टाकून यांनी हे सर्व बाजू केली आहे, पण हे बरोबर नाही आहे। ज्या अर्थी हिंगणघाट शहराच्या डेव्हलपमेंटच्या हिशोबाने जिथं उपजिल्हा रुग्णालय आहे आणि ज्याच्या बाजूला सरकारी जमीन आहे, आणि सरकारी जमीन असताना तिथं
दुसरीकडे जाण्याचं काही कारण नाही. तिथं आमचं काय म्हणते ट्रॅक आहे तो तोडता येते. त्यानंतर खाली जागा आहे हायवेला लागून, इथं कलोडे मंगल कार्यालयाची जागा आहे, तिकडे जागा आहे डॉक्टर आंबेडकर हॉस्टेलची जागा आहे, स्वतः माडाची जागा शिल्लक आहे, पुरपिडीची जागा शिल्लक आहे. ह्या सर्व जागेवर ॲक्वायर करून आपण चांगल्या प्रकारे मेडिकल कॉलेज करू शकतो. मुलांचं वसतिगृह आहे, मुलींचं वसतिगृह आहे, प्रयोगशाळा आहे, वर्गखोल्या आहे, सर्व होऊ शकते. परंतु पैशाच्या चक्करमध्ये हे मेडिकल कॉलेज दूर नेणं हे किती योग्य आहे हे आपणसुद्धा ठरवलं पाहिजे. आता 3 दिवस 30 एकर जर जागा भेटत असेल, 20 एकर 30 एकर 40 एकर, तर त्या जागेमध्ये मेडिकल कॉलेज व्हायलाच पाहिजे. आणि संघर्ष समितीनं ह्या उठाव याच्यासाठी केला की यंत्रणेला, अधिकारी यंत्रणेला पकडून 9 एकर जागा शिल्लक आहे हे ते दबावाखाली दाखवू लागले, हे चूक आहे. आम्ही त्यांच्यावरसुद्धा इन्क्वायरी कशी होईल, त्यांच्यावरसुद्धा कारवाई करी होईल. आता मुंबईत जाऊन आम्ही तो कारभार करणार आहोत. एनबीसी न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवी येनोरकर की रिपोर्ट.